हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अवी विजन में। आज हम सभी संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अवी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDFs एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच समझ कर अपना आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड करें, उसके बाद ही आंसर देने का प्रयास करें। ओके, तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। फ्रेंड्स, मैंने संविधान के निर्माण से संबंधित दो वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल अवी विजन पर अपलोड कर रखा है। यदि आप उन दोनों वीडियोज को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और उन दोनों वीडियो को देखिए, तभी आप इन MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जब आप उन दोनों वीडियोज को देख लेंगे तो इन MCQ क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइए कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय जी के द्वारा रखा गया था, और इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। ये एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, और भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय जी के द्वारा रखा जाता है। तो इस डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय जी के द्वारा रखा जाता है, और कब रखा जाता है, 1934 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित नेहरू जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये स्टेटमेंट इन्होंने 1938 में दिया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को उनके काल क्रम के अनुसार लगाना है और दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन करना है। ए में दे रखा है अगस्त ऑफर, बी है कैबिनेट मिशन, सी है क्रिप्स मिशन। कोड दिया हुआ है नीचे ABC, ACB, CBA और BAC। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। लगाइए इन्हें सीक्वेंस में। देखिए, अगस्त ऑफर का संबंध 1940 से है, कैबिनेट मिशन 1946 और क्रिप्स मिशन 1942। तो देखिए, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले
ए आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी। दैट मीन्स कि ए सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी है एवी एलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए है 24 मार्च 1943, बी है 24 मार्च 1944, सी है 24 मार्च 1946, डी है नन ऑफ द एबव, बताइए। वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को रीड करके आंसर किया कीजिए, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना को कब प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है 16 मई 1943, ऑप्शन बी है 16 मई 1944, ऑप्शन सी है 16 मई 1946, ऑप्शन डी है 16 मई 1945, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना को प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है नवंबर 1944, ऑप्शन बी है नवंबर 1945, ऑप्शन सी है नवंबर 1946, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत हुआ? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ओनली बी, तो बताइए कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि ओनली बी, दैट मीन्स कि कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नाइन। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, बताइए। ऑप्शन ए है 385, ऑप्शन बी है 386, ऑप्शन सी है 387, ऑप्शन डी है 389। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। दैट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू 389। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा एक, ऑप्शन ए है पार्टली इलेक्टेड बॉडी, दैट मीन्स कि अंशतः निर्वाचित निकाय थी, ऑप्शन बी है पार्टली नॉमिनेटेड, अंशतः नामांकित निकाय थी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, मतलब कि उपर्युक्त में से दोनों थी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, तो याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए है जुलाई अगस्त 1944, ऑप्शन बी है जुलाई अगस्त 1945, ऑप्शन सी है जुलाई अगस्त 1946, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ।
देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप कि मोस्टली लोगों को पता होगा, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 209, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 211। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है सर बीएन राव, ऑप्शन डी है डॉक्टर एचसी मुखर्जी। तो आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे चुना गया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा की पहली बैठक में यानी 9 दिसंबर 1946 को उन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? ऑप्शन ए है 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 12 दिसंबर 1946, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एच सी मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सर बी एन राव। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। कब किया गया था? संविधान सभा की दूसरी बैठक में, और दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, इनमें से कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर एच सी मुखर्जी, ऑप्शन बी है वी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है सर बी एन राव, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि बोथ ए एंड बी। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को, है ना, और वो दो उपाध्यक्ष कौन कौन थे? डॉक्टर एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है सर बी एन राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है वी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर एच सी मुखर्जी। बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कब पेश किया? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946 को,
ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए है 19 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 20 जनवरी 1946, ऑप्शन सी है 21 जनवरी 1946, ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1946। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह एफर्ट, हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने आप को एनालाइज किए होंगे तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो UGC नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।